चलिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। और आज हम लोग खेलने वाले बच्चा पार्टी के साथ, आइए ना भैया, पैर आइए। बच्चा पार्टी के साथ आज हम लोग खेलने वाले क्रिकेट। क्या खेलने वाले? आराम से भाई, आराम से। और ये देखिए हमारा बैट। तो क्रिकेट होगा अभी यहाँ पे छत में हम लोग का। देखते हैं क्या, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। पर कोई बात नहीं, जीत हारते चलते रहता है, मजा आना चाहिए। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिकेट। चलो आदर्श, रुको, बता रहे, रुको गाइस। हम दो यहाँ कैप्टन है, दो कैप्टन है, सब हटो 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 हटो, उधर चल जाओ, दूर चल जाओ, कैमरा में नहीं आने वाला है, तुम यहाँ खड़ा रहो। इसको बोल रहे थे, ये भी चल जाती है। चलो दो कैप्टन है गाइस हम लोग का, ये देख लीजिए छोटे छोटे कैप्टन। अब ये लोग जिनको जिनको भी चूज करेंगे उनकी साइड चल जाना, ठीक है? तो चलो टॉस करो। टेल, चलो आब्या तुम पहले चुनेगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे टीम हो चुका है। हम यहाँ पे देखो, टीम का नाम बताओ अपना। हम लोग का टीम है टीम आईपीएल वाला, नहीं टीम सीएसके, सॉरी। चलो ये है सीएसके, आरसीबी है, आरसीबी। टीम का नाम नहीं पता है, हम लोग का टीम चुरा है। हाँ चुरा लिया आपको, कोई बात नहीं। तो ये गाइस, ये चेन्नई सुपर किंग है, ये आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चलिए ठीक है, तो टॉस करो, टॉस करो, टॉस करो। कौन बैटिंग टॉस कराएंगे हम? हाँ अंपायर, एक मिनट, अंपायर सर है। ये हटो हटो, अरे अनमोल कर रहे, वो छोड़ दो, हट जाओ। चलो ये हेड है, ये टेल है, दोनों में से पहले कौन बोलेगा? ये बोलेगा, तुम देखना ठीक है। हल्ला मत करो ना, ठीक है, बोलना है ठीक है, ऊपर में ही बोलना है, नीचे में नहीं गिरना है, ऊपर से बोल देना। बोलो आप क्या चाहते हो मैडम? नहीं वही, आपको बैटिंग बॉलिंग क्या करेंगे? बैटिंग बोल दी है। तो चलिए आरसीबी पहले बल्लेबाजी का फैसला किए, और चेन्नई सुपर किंग बॉल करेंगे पहले, चेस मतलब चेस करेंगे। अनमोल चलिए गाइस, हम दिखाते हैं, मैच स्टार्ट होने वाला है, 8 ओवर का मैच है। और वो देख सकते हैं बैटिंग टीम बैठी हुई है वहाँ पे डगआउट में, और यहाँ पे उनके कप्तान बैटिंग करते हुए। क्या फर्स्ट बॉल में आउट होंगे या फर्स्ट बॉल में चौवा शर्माते हुए? और यहाँ अंपायर भी रेडी है, अंपायर का इशारा के साथ मैच शुरू होगा। चलिए सुनो, कोई आउट छक्का चौका कुछ नहीं बोलेगा, उधर अंपायर जी खड़े वो देख लेंगे। चलिए फर्स्ट बॉल हो गया गाइस, हम नहीं देखे। हाँ हाँ, ईटा में लगने का आउट है, ईटा का। अरे ये कप्तान आउट हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो ईट है वहाँ पे बॉल लग चुका था। तो आप जाइए डगआउट की, और अपने टीम में से किसी को भेजिए, जिसको आप या जिसको बोलेगी वो आएगा बैटिंग करने। अब बैठ जाओ। आ रहे आ रहे आ रहे, वाइड वाइड सेट कर रहे। और यहाँ पे दो बॉल में एक विकेट लेते हुए बॉलर अनमोल, जो आरसीबी के प्लेयर है, आरसीबी नहीं सॉरी चेन्नई के, काफी उमदा बॉलिंग करते हुए कैप्टन को आउट किया है। तो चलिए सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल सॉरी, अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं नेक्स्ट प्लेयर। अरे वाह, नेक्स्ट प्लेयर तो लगा कि फुटबॉल खेलने आए हैं, ये क्रिकेट का हमें फुटबॉल ज्यादा दिख रहा था। कमा चार रन, भैया देखिएगा आप, चार रन है। अरे एक मिनट, कौन याद रख, आप ही सब कुछ याद रखेंगे ना, क्योंकि बस इन लोगों का इतना रन याद, रन कितना हुआ, ओवर कितना हो रहा है, वो सब याद रखिएगा, क्योंकि हम उतना देखे, हम बस कमेंट्री कर रहे हैं। तो चलिए ये वाइड बॉल, और डगआउट में सब देखिए कैसे बैठे हुए हैं, और ये कैप्टन मुंह बनाते हुए।
बहुत ही उमदा शॉट, बट फील्डर ने बचा लिया चार रन। दौड़ने का नहीं है, नहीं धप 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 पूरा बजेगा क्या? ये हैवी फुटबॉल प्लेयर है लग रहा हैवी वाला। ये एक ओवर हो चुका है समाप्त, और एक ओवर में चार रन एक विकेट। डबल बैटिंग कर रहेगा तो रनिंग का नहीं रखेंगे। अरे आप चार रन मारते हुए कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी। तो चार रन और मारिए। फास्ट बॉल नहीं देगा कोई भी टीम हो। देख सकते हैं गाइस बैटिंग के लिए रेडी है, और ये मिसफील्ड के वजह से चार रन। काफी उमदा प्लेयर ने ये मिसफील्ड किया है, उम्मीद नहीं थी कि इनसे मिसफील्ड होगी, बट हो चुके हैं। मुंह दिखा दीजिए, बहुत हार्ड। चलो बहुत उमदा मिसफील्ड पे मिसफील्ड। लगता है कि बैट्समैन ने इन्हें टारगेट ले लिया है, इन्हीं की और शॉट दिए जा रहे हैं, और ये छोड़े जा रहे हैं। कैच है ये, काफी उमदा कैच, और ये आउट होते हुए। आभ्या बोलेगी, कोई बात नहीं, बहुत उमदा कैच लिया है। भैया कितना ओवर कितना रन? एक ओवर 3 बॉल 12 रन। हल्ला नहीं करो उधर भैया, अंपायर देख रहे। ये देख लीजिए, बहुत फड़फड़ा रहे थे बैटिंग करने के लिए, पर एक शॉट नहीं मार पा रहे। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। ये आउट, ये बॉल जा चुका है, बॉल जा चुका है उधर नीचे। आरसीबी का 3 विकेट गिर चुका है गाइस, 2 ओवर 1 बॉल पे 12 रन और 3 विकेट, बहुत ही उमदा। तो चलिए फिर से गेम स्टार्ट। एक मिनट, ये 4th विकेट है, उसके बाद लास्ट विकेट होगा एक। हाँ ये आउट हुआ है, बहुत फड़फड़ा रहे थे। कोई बात नहीं, आप चुप रहो। अरे काफी उमदा फील्डिंग, वाह, एकदम बॉलर के हाथ पे बॉल, नहीं सॉरी फील्डर के हाथ पे बॉल गया, या 4 रन बच गया। ओ माय गॉड, एक हाथ से कैच लेने की कोशिश, बट कोई बात नहीं, नाकाम। ये देख सकते हैं नाचते हुए कैप्टन सीएसके के कैप्टन साइड से फील्डिंग कर रहे हैं। ये कितना ओवर हुआ है, ये कितना ओवर जा रहा है? 4th ना, इसके बाद लास्ट ओवर होगा। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, 4 रन, और ये 16 रन होते हुए आरसीबी का टीम की डगआउट में बैठे हुए प्लेयर व काफी खुश। आइए अंपायर अपनी नसीहत देते हुए। कैच आउट, वाटर कैच, अरे मुंह दिखा दीजिए, ओपी कैच। आइए लास्ट विकेट, आरसीबी की लास्ट विकेट है, देखते हैं ये क्या कर पाएंगे, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। कितना रन मारेंगे?
12 रन मारने का टारगेट लेके चले, देखते कितना रन मार पाते। डग आउट में हल्ला हो रहा है, डग आउट में हल्ला मत कीजिए। ओए अनुभव, भाई ओपी शॉट मारते हुए पर बच गया, कोई बात नहीं। लास्ट ओवर था ना, ये खत्म हो गया। फर्स्ट तुम ठीक ठीक ओके, एक मिनट। ये देख सकते हैं कि सीएसके के कैप्टन को बॉलिंग नहीं मिला है, बट अब उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको करना कीजिए। बट सीएसके के जो कैप्टन है वो साइड खड़े हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं लग रहा है, ये कैप्टन नहीं बॉल बॉय है। चीयर कर लाए, बॉल बॉय जो साइड से बॉल देता है। आइए कैप्टन बॉलिंग करते हुए, ये पहला ही बॉल वाइड। अच्छा ओके बैट लगाए, ये बॉल गिराएगा, काउंट होगा ये बॉल। आइए लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में देखते हैं कि कितना रन होता है। 16 रन हो चुका है आरसीबी की, 16 रन हो चुकी है, ये लास्ट ओवर है, देखते हैं लास्ट ओवर में क्या हो पाता है। आइए आउट, एकदम ओपी शॉट मारते हुए, पर ये छक्का कहलाता कहीं और, पर यहाँ पे आउट कहलाएगा, कोई बात नहीं। ओवर खत्म, अब अंपायर सर से थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, थोड़ा बताइएगा कितना रन हुआ है, टारगेट बताइए। 17 रन चाहिए, मतलब 20, मतलब टारगेट 20 है टीम को, जीत के लिए 20 रन चाहिए 5 ओवर में आराम से। तो आपका पहला बैट्समैन कौन है? ओके कितने रन मारेंगे आप? 50 ओके। ये देख सकते हैं कैप्टन आरसीबी की, इनके टीम ने 16 रन मारा है, कोई बात नहीं। चलिए आरसीबी की टीम रेडी है फील्डिंग को लेके। अब एक वन मिनट, डगआउट में बैठ जाइए सब कोई। हल्ला नहीं, ट्राई बॉल फेंकते हुए, ट्राई बॉल ही वाइड। चलो ठीक है, देखते हैं गाइस कि क्या आरसीबी की टीम 20 रन बना पाती है 5 ओवर में, और देखते हैं कौन सी वो टीम होगी जो ये गेम जीतेगी, क्योंकि नहीं आरसीबी की नहीं सॉरी सीएसके की टीम। ओ वाटा ड्रॉप, आउट फर्स्ट बॉल में ये आउट होते हुए, क्योंकि आपने मार दिया डायरेक्ट दीवार में, वो डायरेक्ट दीवार में मारना आउट था, बट कोई बात नहीं, बहुत ही उमदा खेले, अच्छा शॉट था, कहीं और पे रहता तो ये छक्का कहलाता, पर यहाँ पे आउट कहलाएगा, कोई बात नहीं। ये एक बॉल में एक विकेट, बहुत हार्ड। अब ये सबसे ओपी प्लेयर गया है बैटिंग करने, देखते हैं कि क्या ये अपने टीम को जिता पाएगा। एक बॉल के पीछे देख रहे, चार चार फील्डर दौड़ते हुए। अरे एक बॉल फेंकने के बाद फिर से वाइड बॉल, बॉल पीछे ले, बॉल पीछे, दो ही बॉल किया, बॉल रद्द किया जाए, दूसरा बॉलर आएगा। अरे एक मिनट भाई, कैप्टन नहीं है, जो कैप्टन बोलेगा वो किसको बॉलिंग भेजेगी? कैप्टन जिसको बोलेगा वो जाएगा बॉलिंग। कितना बॉल हुआ अंपायर सर से पूछ लेते, दो बॉल हो गया, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चार बॉल। ये अरे चार रन, आठ रन। ये लगता है कि सीएसके की टीम काफी आसानी से जीत जाएगी। जीत के लिए और 16 रन चाहिए, और ये एक ओवर में 4 रन। डेविड वॉर्नर 8 रन है, एक ओवर में 8 रन और चाहिए 12 रन जीत के लिए। तो देखते हैं कि ये बॉलर जो आए हैं, इन्होंने बैटिंग तो अच्छा नहीं की थी,
पर क्या आप बॉलिंग अच्छा कर पाएंगे? तो चलिए बने रहे पे आप लाइव चलो। बहुत ही खराब बॉलिंग, एकदम बेकार बॉलिंग करते हुए। ठीक है, ये 4 रन। तुम खराब हो मुताकराम, यहाँ से यहाँ आ गए। 12 रन हो चुका है सीएसके का। तो ये देख सकते हैं कि और 8 रन चाहिए जीत के लिए। तो क्या सीएसके के ये धोनी जिता पाएंगे? 2 छक्का 2 चौवा लगा पाएंगे? और इन्होंने उड़ा के शॉट दिया, ये 4 रन काफी। वाह, ये मैच ड्रॉ होते हुए बस 4 रन और मारेंगे सीएसके की टीम, ये मैच जीत जाएगी और वो भी काफी आसानी से। ये क्यूट कैप्टन आरसीबी के, वाह। ये आउट होते हुए काफी उमदा बैटिंग कर रहे थे, अकेले 16 रन मारा है इन्होंने, बट जीत की और नहीं लेके जा पाए अपनी टीम को। तो देखते हैं कि क्या ये जो कैप्टन 4 रन बस आप मारिए अगर आपकी टीम जीत जाएगी, तो क्या आपको लगता है आप 4 रन मार पाएंगे? चलिए स्टार्ट। ये 4 रन, सीएसके की टीम सेलिब्रेट करो। और ये सीएसके की टीम मैच जीत चुकी है काफी उमदा तरीके से और काफी आसानी से। ये देख सकते हैं टीपी फुरे हो रहा है, कैप्टन को पे उठाया जा रहा है और कैप्टन ने 4 रन मार के अपने टीम को विजेता बना दिया है। वाओ। और ये इधर हारने वाली टीम की कैप्टन फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, बट कोई बात नहीं, होता है गेम में जीत हार होता है, कोई बात नहीं, टीम में हार जीत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं सीएसके की टीम के कैप्टन पूरे नाचते हुए। वाओ, या गाइस अब बंद करने का टाइम आ गया है वीडियो, क्योंकि गेम खत्म हो रहा है, गेम खत्म हो चुका है। सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप, गाइस आप देख सकते हैं इतना एक्साइटमेंट है जैसे कि इन्होंने आईपीएल 2023 जीत लिया हो। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करता हूँ कि आप लोगों को मैच लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहे।